कहा कि कहीं पर भी किसी तरह की समस्या की तो कोई बात ही नहीं है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, और अपील करते हैं कि हर मतदाता घर से बाहर निकले और वोट आज जरूर करे। बिल्कुल, और चूंकि पहले मतदान और फिर जलपान, यही एक आदर्श मतदाता, एक आदर्श नागरिक की पहचान होती है, और इस पहचान को बनाकर रखना, चूंकि 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सामान्य परिस्थितियों में सभी जगह सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है, जबकि छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों के कुछ बूथ्स पर 3 बजे तक ही वोटिंग की प्रक्रिया होगी। तो बिल्कुल, आज क्योंकि दूसरे चरण का रण है और इसमें 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर जो है 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और छत्तीसगढ़ की कुल 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। न्यूज 18 पर मतदान का ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगा। 9 सीट, 90 रिपोर्टर, पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि दूसरा चरण है, कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, इसलिए भी ये चरण बेहद अहम हो रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, यहाँ की हर सीट की क्या समीकरण है, क्या राजनीतिक समीकरण है, वो भी हम आपको बताएंगे। जानिए किसके बीच मुकाबला है। दमोह में देखिए किस किस के बीच मुकाबला है। राहुल लोधी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, तरवर सिंह लोधी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, इनके बीच जबरदस्त मुकाबला है। अब दूसरी सीट की बात करते हैं। होशंगाबाद में देखिए दर्शन सिंह जो है चुनावी मैदान में है, और संजय शर्मा चुनावी मैदान में है कांग्रेस पार्टी से। तो ये दो प्रमुख चेहरे, दोनों के ही बीच मुकाबला माना जा रहा है। अब होशंगाबाद के बाद दूसरी सीट की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। खजुराहो में ये सीट हाई प्रोफाइल है, इस सीट पर आज सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी मैदान में है और राजा भैया प्रत्याशी है उनके सामने। हालांकि ये देखना होगा कि वोटर्स किस तरफ जाएंगे, वोटरों के क्या मुद्दे हैं खजुराहो में। खजुराहो में आपने बीते दिन देखा भी कि कई बड़े दिग्गज चेहरे खजुराहो पहुंचे थे, यहाँ प्रचार प्रसार किया था। सनातन के लिए खाता भोपाल में जीतू पटवारी, सचिन पायलट ने की मीडिया से चर्चा के इस बार जनता चाहती है बदलाव। पहले चरण की वोटिंग के बाद घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। मुंगेली में डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान, कहा भूपेश बघेल की सरकार में अकबर ढेबर ने पूरे सरकारी तंत्र को कब्जे में कर लिया था। रायपुर में चंदन यादव का बीजेपी पर वार, कहा कांग्रेसी बाबा साहब का कर रहे कहा बाबा साहब का किया जा रहा है। तो ये दो प्रमुख चेहरे, दोनों को ही अच्छा अनुभव है राजनीति में, पार्टी ने बहुत भरोसा जताया है, लेकिन जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बात सतना की हो गई, अब टीकमगढ़ की भी बात कर लेते हैं। टीकमगढ़ में वीरेंद्र कुमार बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पंकज अहिरवार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों ही प्रमुख चेहरे, पार्टी ने भरोसा जताया है, पुराने चेहरे हैं पार्टियों के ये दोनों ही, और ऐसे में ये देखना बेहद ही खास होगा कि आज वोटर का मिजाज टीकमगढ़ में क्या कहता है। अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर वो जो पिछले कई दिनों से चर्चा में रहा है, यहां पर नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए, उसके बाद देखिए आप भोजराज नाग के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कई बड़े दिग्गज आए थे, बीरेश ठाकुर भी कांग्रेस पार्टी के यहां पर चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अब बात महासमुंद की भी कर लेते हैं। महासमुंद में दो चेहरे बेहद ही अहम, बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी प्रत्याशी है तो ताम्रध्वज साहू जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है। ताम्रध्वज साहू की साख भी दांव पर लगी हुई है, देखना होगा वोटर्स का मिजाज क्या होगा। राजनांदगांव, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतारे गए हैं, और बीजेपी से संतोष पांडे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो ये है चेहरे, ये है वो तमाम बड़े प्रोफाइल के चेहरे जिनकी साख दांव पर लगी है, और आज ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो जाएगी। और पल पल की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे, हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ेंगे और आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे। दमोह से लेकर कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, किसके बीच कहां मुकाबला है, ये तो आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र भदौरिया टीकमगढ़ से हमारे साथ हैं, वासु चौरे रीवा से हमारे साथ हैं, और ममता लांजेवार कांकेर से हमारे साथ हैं। आकाश शुक्ला हमारे साथ राजनांदगांव से हैं। सबसे पहले आकाश, राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट।
जी बिल्कुल, राजनांदगांव लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट है, दूसरे चरण में मतदान यहां पर हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से उतरे हैं कांग्रेस की तरफ से, वहीं संतोष पांडे को दोबारा मौका दिया गया है राजनांदगांव में। कुल 15 उम्मीदवार यहां से हैं और 18 लाख से अधिक वोटर फैसला करेंगे कि किसके पक्ष में जाएगा। वो रिजल्ट बाद की बात है, लेकिन हम जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं वहां पर जो है डिप्टी सीएम विजय शर्मा मतदान करने वाले हैं और वहीं पे विधानसभा अध्यक्ष भी यहां आने वाले। सबसे पहले उस आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आदर्श मतदान केंद्र को सजाया गया है। एक पॉइंट दिया गया है जो सेल्फी पॉइंट है, जो काफी आकर्षक करता है आदर्श मतदान केंद्र के लिए। वहीं रेड कारपेट बिछाया गया है। अभी 7 बजे यहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा मतदान के लिए पहुंचने वाले हैं। पूरी इसके लिए व्यवस्था कर ली गई, चिकित्सा व्यवस्था से लेकर बैठने की व्यवस्था और पानी की तमाम जो है वो व्यवस्था यहां पे की गई है। कवर्धा क्षेत्र में ये मतदान केंद्र मौजूद है और इसके अलावा जो है अलग अलग जो संतोष पांडे है वो अपने क्षेत्र में मतदान करेंगे, लोहारा में मतदान करेंगे। तो तमाम तरीके से जो है व्यवस्था मतदान को लेकर यहां पर कर ली गई है। जी ठीक है, आकाश राजनांदगांव में तो आपने दिखाई दिया कि यहां पर क्या व्यवस्था की गई है। ममता लांजेवार भी कांकेर से सहयोगी साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है, वहां पर क्या व्यवस्था है? भानु प्रतापपुर से करीबन 15 किलोमीटर दूर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। घोड़ा पद्धर करके ये गांव है और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे करीबन पूरे अगर कांकेर लोकसभा की अगर लोकसभा की बात की जाए तो भोजराजनाग जो है वो मैदान में है, बिदेश ठाकुर मैदान में है, कांग्रेस से बीजेपी से भोजराजनाग है और इसके साथ ही करीबन 17 लाख जो मतदाता हैं उनके भाग्य का फैसला जो है वो होगा। तो इस वक्त हम जो निर्वाचन केंद्र जो है 80 में मौजूद हैं और भानुप्रतापपुर का ये निर्वाचन केंद्र है और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई। बहुत साफ सुथरा मतदान केंद्र है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो इस मतदान केंद्र को एक तरह से कहा कि रखा गया है और बेहद तैयारियाँ यहाँ पर है और इसके पहले अगर हम बात करें तो मॉक पोल को लेकर तैयारियाँ हो रही हैं, लेकिन उसके पहले जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ हैं। और आप देख सकते हैं कि ये EVM है और तमाम तैयारियां हैं, 7 बजे से यहां पर पोलिंग होगी। जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी यहां पर है? अभी तो हम लोगों ने मॉक पोल पूरा करवा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा के एजेंट आए थे, उनके समक्ष में हमने यहां पर छदम मतदान करके दिखाया, उनको रिजल्ट दिखाया और रिजल्ट दिखाने के बाद उन्होंने मशीन के प्रति काफ़ी वो संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के वो अभी यहाँ से गए हैं। पुनः 7:45 बजे वो इस कक्ष पर आ जाएंगे और ठीक 7 बजे से हमारी मतदान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और क्या क्या व्यवस्था की गई मतदान केंद्र में? अगर हम बात करें तो महिलाएं आती हैं, छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, दिव्यांग लोग आते हैं, तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? वो क्या है कि जैसे छोटे बच्चे लेकर के महिलाएं आएंगी उनको हम लोग पहले वोट डालने के लिए वो बुलाएंगे, बताएंगे। हमारे जो गार्ड यहाँ पर लगे हैं उन लोगों को बता दिया गया है और बुजुर्ग महिला आएंगे उनको भी प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाएगा। और इस प्रकार से अभी तो कोई नहीं आया है? अभी तक कोई नहीं आया है और जो कोटवार है उनके माध्यम से हम लोग मुनादी करा चुके हैं कि 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 3 बजे तक के है ये, मतलब वोटिंग डालने के समय ऐसे करके।